कोरोना संक्रमण को लेकर विश्व वैश्विक इस समस्या से हर कोई लगातार इससे सफर कर रहा है, कोई अलग नहीं है। पूरे विश्व की यह महामारी, भारत में 130 करोड़ की जनता का लॉकडाउन, दरभंगा भी उससे अछूता नहीं। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के बाद 23 को लॉकडाउन की खबर, 24 को और जब प्रधानमंत्री ने 24 की रात पूरे देश में लॉकडाउन की खबर जब दी, उन्होंने आह्वान किया, अनुरोध किया, तो उसके बाद ये देखिए कैसा लॉकडाउन हो सकता है। सुबह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाजारों में लोग जहां 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनानी है, आप देख रहे हैं कि किस तरह उल्लंघन हो रहा था। प्रधानमंत्री के भाषण समाप्ति से लेकर रात में ही अफरा तफरी मच गई और सुबह लोग ऐसे उमड़ पड़े सब्जी बाजार में, मानो शायद आज के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं खत्म होगा, खत्म तब हो जाएगा जब आपका 21 दिन इसी तरह मिलते जुलते खत्म होगा, तो शायद जिंदगी भी खत्म हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आलू प्याज मिल जाएंगे, इतना है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत के पास इतना अनाज है कि 1.5 साल तक अगर उत्पादन नहीं हो तब भी भारत के 130 करोड़ की जनता खा सकेगी। लेकिन किस तरह की यह महामारी, महामारी तो पीछे हो जाता है, और इसके लिए ये वैसे समय की तस्वीर है जहां भीड़ जब खत्म हो गई थी। ये 10 बजे 11 बजे 12 बजे के आसपास की तस्वीर है। इसके बाद प्रशासन ने जब मोर्चा संभाला उसके बाद की तस्वीर अलग है। देखिए किस तरह से घबराए हुए लोग। यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, फिर भी बाजार में आदमी हवा बनाया हुआ है, सामान खरीदने के लिए एक बार आदमी सब निकल गए हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सब नियम का पालन करना चाहिए, एक दूसरे एक बार आदमी आता एक दो आदमी फिर लेके जाता, और यहाँ तो बाजार में पूरा तीन बार लगाया हुआ आदमी लॉकडाउन का कोई पालन नहीं कर रहा। अभी हम लोग 120 का पसेरी बेच रहे हैं, 120 का पसेरी बेच रहे हैं। प्याज 160। प्याज कैसे के जी पड़ रहा है? के जी आपको पड़ गया 24 रुपये आलू, 32 रुपये प्याज। 2000 का आलू लाए किन करके 24 बेच रहे हैं, और प्याज 3000 का बिक रहा है, हम लोग 32 रुपये बेच रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन के दावे का हवा देखिए किस तरह। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने कहा कि बाजार समिति का आलू का रेट 16 रुपए, अधिकतम भाड़ा लेकर खुदरा 20 रुपए, लेकिन यह साहब 24 रुपए किलो 120 रुपए पसेरी प्याज आलू बेच रहे हैं, वह भी खुलेआम बाजार में। प्याज उन्होंने कहा कि 23 रुपए कीमत तय की गई है बाजार समिति, 28 रुपए अधिकतम खुदरा, लेकिन ये साहब 160 रुपए किलो बेच रहे हैं, अन्यथा 32 रुपए किलो। यह हाल है बीच बाजार में, तो फिर गलियों में क्या होगा? जिला प्रशासन की धज्जी उड़ाता, यहां तो प्रशासन कुछ कर सकता था। और जब यह खबर मिली अनुमंडल पदाधिकारी को तो उन्होंने छापामारी की। आलू प्याज लेने के लिए आए हुए आप लोग, क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी सर ये गैदरिंग तो है ही, इसमें कोई डॉट नहीं है। आदमी के बीच में जो है एक समय फील कर रहा है, और रेट जो है सो ये लोग अपने मन से जो मना रहा है सो बक रहे हैं। आज के कैसे बेच रहा है आलू प्याज? आलू 120 दिया है, 160 का है, ये नॉर्मल डे में 80 रुपये था, आज 120 हो गया है। प्याज कैसे दे रहा है? 160 का पसेरी दे रहा है। 22 तारीख रेट बहुत महंगा है। कौन सी का रेट महंगा? 120 रुपये प्याज बोल रहा है, 160 रुपये, 180 रुपये प्याज। आलू कैसे बोल रहा है? आलू 110, 120। 120 का आलू दे रहा है। 110 कैसे आलू किलो है? आलू किलो पसेरी 120 का, प्याज 160 का पसेरी। हरा सब्जियों के भाव में ज्यादा उछाल नहीं हुई, क्योंकि यह तो एक कच्चा चीज है और ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। दोपहर में जब एसएसपी बाबूराम अपनी टीम के साथ छापेमारी करने पहुंचे तो उस समय ग्राहक नहीं था, लेकिन आलू प्याज का इस तरह से जमाखोरी अनुमंडल पदाधिकारी सदर के आदेश का धत्ता बताते हुए जब इन्होंने की, तो एसएसपी बाबूराम अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने सीधे छापामारी की गुदरी बाजार में। कई लोग तो दुकान बंद कर करके फरार हुए, अंततः एक को गिरफ्तार कर लिया एसएसपी बाबूराम ने, उनकी टीम ने, और उन्होंने कहा कि जो भी उल्लंघन करेगा, कालाबाजारी करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया माइक से ही कि किसी चीज की कमी ना है, पैनिक ना बनाए, घबराए नहीं, सभी चीज बाजार में है। 14 अप्रैल तक क्या उसके बाद भी है,
भारत सरकार ने कहा है कि भारत के पास इतना खाद्यान्न है कि डेढ़ साल तक कोई उत्पादन न हो तो उसके बाद भी अनाज डेढ़ साल तक भारत की जनता खा सकती है। ऐसे में एक दूसरे को सहयोग करना है या एक दूसरे को इस कोरोना महामारी की आड़ में फायदा कमाना मकसद है, जिंदगी बचाना मकसद है, चाहे वो हम हों या आप हों। जहां एक तरफ चिकित्सकीय दल, जहां एक तरफ हमारे पुलिसकर्मी, जहां एक तरफ हमारे सफाईकर्मी, जहां एक तरफ हमारे मीडियाकर्मी और इन सब लोगों को सहयोग देने वाले कर्मी लगे हुए हैं कि कोरोना महामारी से निकले, ऐसे में सामान लेने के लिए महामारी कहां तक उचित है। बहरहाल जब प्रशासन ने मोर्चा संभाला 10-11 बजे के बाद तो शहर कुछ यूं वीरान निकला और तब लगा कि कोरोना से इस जंग में जीत अंततः हमारी होगी। 21 दिनों के लॉकडाउन से जब हम निकलेंगे तो वह कहेंगे हार गया कोरोना कोरोना। ये शब्द सुनने के लिए, कोरोना की हार शब्द सुनने के लिए हम ललायित रहेंगे इसी टीवी चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि जीत अंततः हमारी होगी। हिंदू हो या मुसलमान, सब अपने इबादत में लगे हैं घर में। जहां एक और नवरात्र शुरू हो रहा है, उसके बाद छठी मैया को भी अर्घ देना है आंगन में। रामनवमी, राम की पूजा दिल में ही रहकर घर में करनी है और उसके बाद कोरोना का संस्कार करना है। जूड़ शीतल मनाने के बाद बाहर जब निकलना है तो कोरोना से बच के निकलना है। ये प्रण और इसमें तभी संभव है जब सबका सहयोग होगा। मटर गश्ती करने वाले आज पीटते देखे गए और पुलिस ने अख्तियार किया कड़ा रुख। उसके बाद सन्नाटा नजर आया सामने पे। शायद ऐसी रहे स्थिति तब हम लड़ सकते हैं कोरोना से जंग। बासंती दुर्गा पूजा की शुरुआत प्रारंभ हुई। नवरात्र की चैती दुर्गा पूजा कलश स्थापन हुआ, लेकिन बिल्कुल सादे समारोह में। इंसानियत को जिंदा रखना है, भगवान से हाथ जोड़ना है। अगले साल ठीक रहे तो धूमधाम से पूजा होगी, नवरात्र भी होगा। मैया छठी मैया को आंगन में इस बार अर्घ देना होगा। रामनवमी, राम की पूजा घर में रहकर, दिल में रखकर करनी होगी, बाहर नहीं निकलना होगा और तभी हम इस कोरोना का श्राद्ध कर सकते हैं। रमजान का महीना आएगा, मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारी कर रहे हैं। काश उस समय तक यह महामारी खत्म हो जाए, अन्यथा हमें घर में ही रहना है, घर से ही जंग लड़ना है। और ऐसी परिस्थिति में नवरात्र हो या रमजान हो, पुनः आएगा, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। और इस जिंदगी को बचाना है, भविष्य को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, जिंदगी को बचाना है। कोरोना से जंग जीत कर इंसान को जिंदा रखना है। जगम शांति पृथ्वी शांति राम शांति शांति मानस माना शांति विश्व। पूजन विधि भी 3 पंडित लेकिन 1 मीटर की दूरी का डिस्टेंस रखा। पूजन में भगवान की पूजा और भगवान से विनती मन्नत कि कोरोना से मुक्ति दिला दे माँ। यही विनती इस बार अपने लिए नहीं, समाज के लिए, कोरोना को भगाने के लिए। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। बार बार हाथों को धोकर बिल्कुल साफ बनाना है, मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं इसका जरूर ख्याल रखें। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं इसका जरूर ख्याल रखें। बासी चीजें बिल्कुल ना ले, ताजा भोजन खाना है, मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलकर।
दूनी सड़कों पर कोरोना से जंग लड़ना है और एक अदृश्य शक्ति कोरोना वायरस एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे आप मजाक में न लें। आपके आसपास, आपके कपड़े पर, आपके हाथ पर कोरोना वायरस हो सकता है और ऐसे में आपको बचना है, उस चैन को तोड़ना है। कई जनप्रतिनिधि पुलिसकर्मी आज निकले, निकलने के बाद लेकिन जब आप घर जाएं तो ऐसी परिस्थिति में आप नहा धोकर, हाथ धोकर ही अपने परिवार के बीच जाएं, परिवार को बचाएं। सबसे पहले स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा। ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी है और इन सेवा देने वाले के सहयोग में जो कर्मी हैं, उनकी चिंता, स्वयं की चिंता और उसके बाद आप अपने अपने स्वयं सहित परिवार और समाज को भी बचाएं। और तभी जब पूरा वैश्विक मान चुका है कि इसकी लड़ाई घर में रहकर ही जीती जा सकती है, ऐसी परिस्थिति में इन मनचलों को रोकना होगा। यहां मानवता और मानवाधिकार नहीं दिखाना होगा। बेवजह सड़क पर घूमने वालों को पुलिस ने रोका, फाइन किया, चार्ज लगाया और बेवजह इस तरह से बेवजह उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आप मटर गश्ती नहीं कर सकते। कई का फाइन काटा, कई की पिटाई कर फिर अंततः उसे फिर छोड़ा कि आपको यह अंतिम चेतावनी दी जा रही है। लेकिन कितने लोग हैं, और यह बिल्कुल सही हो रहा है, मीडिया कर्मी, हालांकि हमने कई आलोचना की है प्रशासन की, जहां समान रहते दर बढ़े, लेकिन इसे आलोचना नहीं कहेंगे, यह एक अच्छा कार्य, लोगों से पूछताछ कि आप क्या कर रहे हैं, अगर बैंक जा रहे हैं तो कागजात कहाँ है, दूध का पैसा जमा करने जा रहे हैं तो पर्ची कहाँ है, सफाई करने जा रहे हैं तो आई कार्ड कहाँ है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो फिर आपके पास क्या प्रमाण है कि आप स्वास्थ्य कर्मी हैं। पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जैसे ही शिकायत मिली उचक्कों की, मनचलों की, मनमतंगों की, तो उसके बाद पुलिस टीम निकली पूरे लाव लश्कर के साथ, अनाउंस करते हुए कि आप घरों में रहे, बाहर नहीं निकलें, आप कोरोना वायरस की गंभीरता को समझे, मजाक न बनाएं और इस तरह आप बाहर में डिस्टेंस बनाए रखें। डिस्टेंस का अर्थ कि सट करके ना रहें, सट करके ना चलें, अपने अपने घरों में रहें, एक दूसरे से दूरी बना रहे, जाइए जाइए आप लोग घर में रहे, अपने अपने घर में जाइए, पहले साफ करवाने की जाएंगे, जाइए अपने अपने घर में जाइए। दूरी बनाए रखिए, काम को जाने का नहीं, अपना सुरक्षा आप खुद करें, क्या तो खुलता है, पुलिस की भी अपनी परख, और बिना मतलब के आप सड़क पर हैं तो डंडे खाने पड़ेंगे। कोरोना की मार से तो ये मार कम से कम अच्छी है, ये मार लग जाएगी तो आप कोरोना को घर लेकर ना आ जाएंगे। हर जगह सराहना, और यहाँ कोई मानवाधिकार नहीं, यहाँ सिर्फ पहले बात से, और न मानोगे तो कई उपाय हैं पुलिस के पास, और यह करती दिखी पुलिस दरभंगा में बुधवार को, कड़ाई और उसके बाद कर्फ्यू सा नजारा, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था उसी तरह का नजारा। और कोरोना से अगर लड़ना है, जीतना है जंग, तो हमें रहना होगा घर में बंद, तभी हम जीत सकते हैं कोरोना से जंग। जिंदगी हर पल इतनी नहीं जंग।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आज सभी क्षेत्रों में छापामारी करने के लिए सभी अंचलाधिकारी और एमओ का टीम गठित की गई है। छापामारी भी लगातार चल रही है। सभी दुकानों को यह कहा जा रहा है कि आप लोग दाम जो है उसको निर्धारित कर, जो एसडीओ ने किया है उसको प्रदर्शित भी करना है और स्टाफ को भी प्रदर्शित करना है। इसमें कोई विफल होंगे और अत्यधिक जो दाम लेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। क्या कुछ मामलों में आम नागरिकों को इमरजेंसी की स्थिति में बाहर आने की छूट है? जैसे सब्जी की फल की दुकान है, किराना का सामान है, मेडिकल इमरजेंसी है, बैंक से किसी का अति आवश्यक काम है, तो ऐसे लोगों को जगह जगह पे वाहन चेकिंग की जा रही है। और अगर कोई इस कैटेगरी में कोई बाहर आया है इमरजेंसी में उसको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन जो अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं उनको पकड़ के फाइन किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। कल भी 200 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, परसों भी 8 FIR हुई थी 40 लोगों के विरुद्ध, और 150 से अधिक वाहनों पर फाइन किया गया था। तो अब सख्तियाँ से हम लोगों ने और बढ़ा दी है, तो लेकिन कुछ इमरजेंसी वाली स्थिति में लोगों को अलाव है। इसके अलावा जो इसेंशियल सप्लाई है, फूड ग्रेन है, पेट्रोल का, ईंधन का, LPG एजेंसी वाले लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको छूट है उनके एम्प्लॉय को भी हम लोग अलाव कर रहे हैं। उनके मूवमेंट के बिना तो इसेंशियल सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कत होगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी टू 10 CBSE करिकुलम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन ऑन 5th January 2020। इंग्लिश मीडियम स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर ऑल क्लासेस एंड वेल इक्विप्ड क्लासेस, मैग्निफिसेंट स्कूल बिल्डिंग, क्रिएटिव टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स, मार्शल आर्ट विल बी स्टार्ट, कंप्यूटर रूम अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, सीजन 2020-2021। मिर्जापुर नियर सिटी लाइफ मॉल दरभंगा 7739108822879728557050। कोरोना वायरस को लेकर 21 दिनों का लॉकडाउन जो 14 अप्रैल को समाप्त होगा, पूरा खरमास निकलेगा। इस बीच में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नवरात्र, उसके बाद फिर चैती छठ, रामनवमी, उसके बाद मुस्लिमों का पर्व सबे बारात, और इन सब को गुजरना होगा। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी अदृश्य शक्ति कोरोना वायरस से, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, वो लेकिन वह हम पर आक्रमण करता है। उससे लड़ाई जिससे पूरा विश्व उसकी काट के खोज में है, लेकिन हमें इससे बचना है। और इससे बचने का एक ही उपाय है, घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। कई जनप्रतिनिधियों ने अंततः निर्णय लिया कि वे अगर एक जगह से निकलेंगे, अपने घर में भी लौटेंगे, तो शाम में स्नान कर, हाथ धोकर, कपड़ा धोकर ही जाएंगे, स्वयं बचेंगे, परिवार को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे। ऐसे में जरूरी काम करने वाले चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी, बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी या इन लोगों की सेवा देने वाले सेवा कर्मी तभी स्वस्थ रह सकते हैं और आपको भी बचा सकते हैं, जब हो यह सूनी सड़क और दुनिया की यह पहली लड़ाई होगी जो हथियार से नहीं होगी, सूनी सड़क पर होगी, घर में रह करके होगी, आत्मसंयम से होगी। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें घर में रहना होगा। आखिर हम कब समझेंगे कि हमें डिस्टेंस बनाना है? क्यों दूरी बनाने के लिए कहा गया है? पूरी दुनिया तबाह है, परेशान है, इस सुनसान सड़क की खोज में शायद इसी में शांति है, एकांत है, अन्यथा देहांत है। इस बात को हमें समझना होगा। 21 दिन का योग, 21 दिन का एकांत हमें देहांत से दूर करेगा,
जीवन देगा इसे समझना होगा। बीटीएन न्यूज बार बार अपील करता है, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार, चाहे वह वीरेंद्र कुमार हो, सरफराज आलम हो, सत्येंद्र सिंह हो या अन्य हो, लगातार बाहर में जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, तस्वीर ला रहे हैं, वह दृश्य ला रहे हैं, लेकिन आपसे उम्मीद 14 अप्रैल तक आपसे यही उम्मीद कि आप इस सड़क को सुनसान रखें, घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें, तभी हम जीत सकते हैं कोरोना से जंग। जब मुसीबत आती है तो तरह तरह के उपाय बचने के लिए, यह देखिए दूध काउंटर पर डिस्टेंस, वार्ड नंबर 21 से यह प्रारंभ किया गया और प्रण किया गया कि एक हर काम प्रशासन से नहीं हो सकता कि आप जाइए, दुकानदार को भी बचाइए, ग्राहक खुद भी बचिए, सट करके नहीं जाइए, थोड़ी दूरी बनाइए और यह देखिए डिस्टेंस, आप इस घेरे में जाइए और इस घेरे में दूरी बनाइए, डिस्टेंस रहकर कोरोना से जीत सकते हैं। एक नया प्रयोग दरभंगा नगर निगम भगवान दास बूथ काउंटर, यहां पर दुकानदार और ग्राहक के बीच दूरी, उसके बाद साबुन से सफाई करें, इस घेरे में जाएं, चाहे वह एटीएम हो, किराना दुकान हो, दूध काउंटर हो, दवा दुकान हो, सभी जगह यह शुरू हुई और आधा दर्जन दरभंगा नगर निगम के वार्ड में, वार्ड नंबर 20 में, वार्ड नंबर 30 में, वार्ड नंबर 13 में, वार्ड नंबर 46 में जनवितरण दुकानदारों के पास भी इसी तरह की स्थिति, जन देखिए कि किस तरह लोग समझ रहे हैं, इसकी चर्चा भी हो रही है, एक अच्छा प्रयोग जिसकी सराहना, और यही करके हम जीत सकते हैं कोरोना से जंग। दूध का काउंटर कि आप डिस्टेंस रखिए, दुकानदारों से दूरी, ग्राहक से दूरी, और इस तरह से हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं दूरी मेंटेन करके। इसीलिए लॉकडाउन किया गया है और कोरोना के कर्मवीरों ने अंततः इसे अंजाम दिया। हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना वायरस का जो प्रकोप चला हुआ है, इससे आम जनों को सुरक्षा के लिए इसका 3 मीटर का घेरा बनाया गया। कोई भी सामान हमको दूध या कोई भी चीज़ लेना है तो इसके घेरे के अंदर में रहेंगे हम, दूरी बना के रखेंगे, संक्रमण हम लोग नहीं प्रकोप करेगा, इसलिए घेरा बनाया। जनवितरण दुकानदार के पास भी लंबी कतार लग रही थी, यहाँ भी भीड़ कम करने के लिए इस तरह का प्रयोग, घेरा बनाकर 1 मीटर की दूरी, डिस्टेंस मेंटेन रख करके कोरोना को हराना है। कोरोना से जंग, आप घर से बाहर ना निकले, लक्ष्मण रेखा सामने, और ये चक्र कोरोना इसके बीच ना आ पाएगा क्योंकि आप रखेंगे सोशल डिस्टेंस, रखें इसका पूरा ख्याल, तभी आप जीत सकते हैं कोरोना से जंग। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैल 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार आवास पढ़ा रहे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा।